हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जूम क्लाउड मीटिंग ऐप में मीटिंग्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताता हूं। देखिए, पहला तरीका है कि अगर आप लोगों ने अकाउंट बना लिया है तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, चलिए ये भी बताऊंगा। और अगर आप लोग बिना अकाउंट बनाए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के किसी भी बॉस या फिर आप लोग किसी भी एम्प्लॉय या किसी ने भी आप लोगों को आपके मैम या सर ने आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन आईडी शेयर करी हुई है, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि जो भी आपके सर या मैम होंगे उन्होंने आपको एक मीटिंग आईडी शेयर करी होगी, तो ये रही मीटिंग आईडी जैसे यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए शेयर करी होगी, तो यहाँ पर हम लोगों को मीटिंग आईडी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ज्वाइन मीटिंग पे हम लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक क्या ऑप्शन आएगा, कनेक्टिंग। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला जो मेरा ये खुद का ही आईडी है, सो यहाँ पे ये कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है डायरेक्टली क्योंकि मेरा आईडी है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आप लोगों को एक पासवर्ड का ऑप्शन मांगेगा। जैसे आप लोग ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सर मैम या बॉस ने शेयर करा हुआ ये वाला पासवर्ड वाला एक ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो डायरेक्टली आप लोग ना एंटर करेंगे। सो यहाँ पर इस पर आप लोग कर सकते हैं। और लीव मीटिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ राइट हैंड साइड में ऊपर लीव का बटन आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को मैं अब ये बताता हूँ, जैसे एग्जांपल आप लोगों को इस तरीके से ज्वाइन नहीं करना तो ये आप लोगों को एक लिंक भी शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे सामने वाले ने लिंक शेयर करा है तो उस पर आप लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जूम ऐप में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली कनेक्टिंग और प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को आईडी या पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग, ये तो एक मेथड ही हो गया कि आप लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को चलिए सेटिंग्स में ले जाके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन आउट अकाउंट कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं बगैर अकाउंट बनाए हम लोग कैसे मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक मीटिंग पे अभी ये तो ऑल मीटिंग हमारी चल रही है, तो यहाँ पे मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ, लीव मीटिंग कर देते हैं हम लोग इस पर क्लिक। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ज्वाइन मीटिंग में आएंगे तो सेम यहाँ पे हमें क्या करना है कि मीटिंग आईडी डालनी है और यहाँ पे मीटिंग आईडी डाल के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन लिंक पर क्लिक करना चाहते हैं, लिंक के जरिए डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिसने भी आपको लिंक यहाँ पे शेयर करी है उसकी लिंक यहाँ से कॉपी करनी है, डायरेक्ट आप लोग क्लिक भी कर सकते हैं और बगैर अकाउंट बनाए यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करके यहाँ पे आप लोग ज्वाइन मीटिंग पर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इस पे क्लिक करते हैं, जूम पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रिपेयरिंग होगा और यहाँ पे बोल रहा है कि वेटिंग योर होस्ट टू स्टार्ट मीटिंग। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों के सामने वाले ने जिसने आपको लिंक भेजी है वो वेट कर रहे हैं कि अगर जैसे मतलब वो ऑनलाइन होते तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन हो जाते। तो इस तरीके से आप लोग जूम क्लाउड मीटिंग ऐप में मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं।